हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश। हेल्दी है बहुत, क्योंकि इसमें ना तो हम घी ले रहे हैं ना ही कोई मीठा ले रहे हैं। बिना घी और बिना मीठे के बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या क्या सामान चाहिए देख लीजिए। मैंने बादाम लिए हैं, 50 ग्राम के करीब होंगे। थोड़े से मैंने मखाने लिए हैं। ये मैंने खजूर लिए हैं, इनके मैंने बीज निकाल दिए हैं। बीज अच्छे से निकाल के चेक कर लें, क्योंकि कोई बीज रह गया तो आपकी मिक्सी ख़राब हो सकती है। अब हम इन्हें मिक्सी में पीसेंगे। तो सबसे पहले हम इनको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, खजूर को मैंने थोड़ा सा पीस लिया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब जो बादाम है इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो इनकी थोड़े से भी होगा मॉइस्चर वो निकल जाए और ये अच्छे से पिस जाए। इसी में डाल देते हैं मखाने भी, इनको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। दो से 3 मिनट इनको रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं हमने इनको भूनना। बस इनकी थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए। आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अखरोट काजू भी डाल सकते हैं। ये मैं रोस्ट हो गया, मैं इनको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इनको पीस लिया है। अब इसी पैन में डाल देंगे। अब इसमें खजूर मिला देंगे। इनको हम हाथ से मिलाएंगे, हाथ धो के साफ कर लें अच्छे से। इस तरह मिला दें इसमें। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें। इसमें हमें किसी घी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मीठा इसमें एकदम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि खजूर अपने आप ही इतने मीठे होते हैं। हम अच्छे से मिक्स कर लें। 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है हमारी ये डिश, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। विंटर में जरूर खानी चाहिए। कैल्शियम और आयरन से भरपूर डिश है, वेरी हेल्दी। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से रोल कर लिया है इसको, ताकि जब हम कटिंग इसकी करें तो अच्छे से रोल शेप में आ जाइए। इस तरह से रोल कर लें इसको। देखिए, हमारा रोल ये रेडी है। और इसको चकली पे रख के रोल कर लेंगे थोड़ा, ताकि शेप अच्छी आ जाए। इस तरह से दोनों हाथों से। अब हम इस पे थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा लेते हैं। इस तरह से रखें। आराम से लग जाता है इस पे। अब हम
इस पे हाथ ना लगाएं क्योंकि चिपक के खराब हो जाता है। तरह से हम सारे पर रोल लगा लेते हैं। तो ये देखिए रोल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। जितने बड़े पीसीज में आपको चाहिए उतने बड़े पीसीज में कट कर लें आराम से, इस तरह से, ताकि इसकी शेप ना खराब हो। इस तरह से मैं इसके सारे पीसेस, तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे टेस्टी रोल, स्वीट रोल बनके रेडी हैं। 5 मिनट में रेडी हो जाती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।